हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो आदाब, स्वागत है आप सभी का वेजिटा गेमिंग में। मैं वेजिटा आप सभी का बहुत ही स्वागत करता हूँ भाई लोग आज के नए वीडियो में। आज कोई FFSBD नाम का कोई बंदा है, जो कि SBD नाम का जो बंदा है जिसे मैं बैटल करने वाला हूँ। सामने है पालकिया और हम यहाँ पे स्टिकी वेब लगा रहे हैं ताकि वो स्लिप वेब टॉक यूज़ करे, पर यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है भाई। मेरा गैस यहाँ पे पूरा नजर निकल जाता है और हाथ से सामने आ जाता वाटर पिंक और मेरा कलवा का यहाँ निकल जाता है हलवा। भाई भाई भाई, क्या हम ये बैटल जीत सकते हैं? कैन वी विन? लेट्स सी भाई लोग, आई डोंट थिंक कि ये बैटल बहुत ही मुश्किल होने वाली है, तो चलो देखते हैं क्या ये होगा इस बैटल में। हमने ले आया अपना पिच को, बिकॉज पालकिया को रोकने के लिए पिच ही इनफ है। सामने पालकिया है और हमने भी यू आर प्रेटी गुड बॉल दिया है और सामने से हम देने वाले हैं यहाँ पे जी मूव। सॉरी प्ले रफ मार रहा हूँ भाई 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 भाई, ऑलमोस्ट डेड। और यहाँ पे हम सिर्फ एक वाटर इफेक्ट के बचे हैं, इसलिए जल्दी से चेंज करके ले आते हैं अपने स्टॉल को, वरना हमारा निकल जाएगा यहाँ पे हलवा। जल्दी से हमने अपना स्टॉल ले आया है। सामने फिर से वाटर इफेक्ट पड़ा और अटैक कुछ खास असर नहीं कर पाया, बिकॉज वाटर स्टॉल वाटर अटैक को आराम से झेल लेता है। सामने आ रहा है, ओ भाई भाई भाई, कितना खूबसूरत पोकेमॉन है भाई लोग, आप लोग देख सकते हो। आर सी यस XR2 बहुत ही खतरनाक दिखता है लुक में भाई भाई भाई। सामने से हम लेके आते हैं अपने जैगर्ट को, पोलेटल लंगड़ा खान को। सामने से हमें टोंट मारा गया भाई 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 भाई, हम यहाँ पे जी मारेंगे, मे भी कुछ हो जाए। ओ भाई भाई भाई, एक जू में जी में चला गया सामने का RCS। सामने है पालकिया, स्पीड माइनस है। यहाँ पे हम जेनेटिक कैनन का भरपूर फायदा उठाते हुए R2 मूव का फायदा उठाते हुए और यहाँ पे पालकिया चलेंगे। चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जैगर्ट का भी अटैक बफ है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। सामने है लुकारियो, देते हैं 1000 ऑफ एरो, सॉरी वेव्स देते हैं। कुछ खास डैमेज ने बिकॉज ऑफ भरपूर मेरा अटैक जो कि है बेकार ही लग रहा है देखने में। जल्दी से हम यहाँ पे बल्कअप करते हैं, कॉइल करते हैं। सामने वाला बंदा पूरा का पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसे, स्वाट के साथ डांस किया जा रहा है, बिग कॉइल किए जा रहे हैं। वहाँ सामने वाला बंदे का अटैक +4 हो चुका है, हमारा भी अटैक +4 या 5 हो चुका है मे भी, और ये सामने वाला फुल अटैक में आ चुका है। हम फिर से कॉइल करेंगे, सामने से आएगा R2 मूव। भाई भाई भाई, फिर से वो किए जा रहा है बल्कअप पे बल्कअप, डांस पर डांस, स्वाड वाला डांस, और ये हमारा अटैक हम पे ही भारी पड़ गया भाई भाई भाई। काउंटर बहुत ही जबरदस्त चीज़ होता है, अगर आपके पास परपोर्ट एबिलिटी के साथ अगर आप काउंटर यूज़ कर रहे हो तो इससे खतरनाक कॉम्बिनेशन और कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पास है अभी, ओ भाई भाई भाई, बच गए, हम अपने मोबाइल के बदौलत बच गए हैं बिकॉज ऑफ प्लेयर ऑफ। सामने है मोबाइल, जल्दी से हम जीमो मारते हैं ताकि मोबाइल को उड़ा सकें। जीमो बचा के रखा था हमने और ये मोबाइल चला गया। अब सामने आएगा क्या आएगा भाई भाई भाई, कायोक्री R2, बहुत ही खूबसूरत पोकेमॉन है, मुझे भी एक बनाना है आगे चल के ताकि मैं अपना अटैक फुल फॉर्म में लेके आ सकूँ। अटैक अभी फुल फॉर्म में नहीं है इसलिए, ओ भाई 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 भाई, ये बहुत ही गलत सिनेरियो हो गया मेरे साथ, सीर के साथ पूरा कोल्ड कर दिया, पूरा का पूरा ठंडा बैठा दिया मेरे R7 को। हम यहाँ पे लेके आ गए हैं नींबू, या भाई भाई नींबू लेके आ गए हैं। इसका नाम नींबू इसलिए रखा है क्योंकि नींबू इस पर जचता है। स्पाइक, एक बार स्पाइक दे दिया हमने, सामने से जी आया और हमारा नींबू का लग निचोड़ा गया है पूरे अच्छा से। और सामने हमारे पास कुछ खासा पोकेमॉन नहीं बचे, 2 पोकेमॉन ओनली बचे हैं। गेंगार नॉकआउट मारते हैं सबसे फर्स्ट ताकि उसका होल्ड आइटम बेकार हो सके, जो भी उसका होल्ड आइटम हो। ओहो, सी ऑफ ओरिजिन कुछ खास डैमेज नहीं दे पाया, उसको बर्न करने की कोशिश करते हैं भाई भाई भाई। सामने से सिर और कोल्ड के पूरा दिया जा रहा है हमें, मतलब पूरा ठंडा पड़ाने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरा सिर कोड उसका मिस हुआ, हम यहाँ पे टोंट लगाते हैं, जी मूव लगाते हैं कुछ डैमेज लेने की कोशिश, और यहाँ पे सिर कोड अगेन मिस। भाई 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 भाई, कैन वी विन? आई डोंट थिंक कि हम विन जीत सकते हैं।
टोंट मारते हैं और अभी इस बार सीट कोल्ड लगा तो मेरा गेंगा चला जाएगा तो के भाव में। अगर यहाँ पे बच चुका है और हम यहाँ पे जल्दी से टोंट लगा देते हैं। सामने से मिरर कोट लगाया गया है बिकॉज ऑफ स्पेशल डिफेंस और हमारे पास यहाँ पे स्पेशल अटैक वाला एक भी पोकेमोन नहीं, गेंगार है तो गेंगार अपना तो स्पेशल अटैक ऐसे भी नल रहा है भाई भाई भाई। तो जल्दी से यहाँ पे कायोक्रो से हम बच गए हैं और ये यहाँ पे कायोक्रो ऑलमोस्ट डेड है। एक नॉकआउट मारते हैं बिकॉज वी कांट डू एनीथिंग और यहाँ पे स्टॉलिंग करते हुए हम लोगों ने कायोक्रो को मार डाला। गेंगार इज ओपी 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 क्या बोलते भाई। सामने आ गया है सेबलाई, सेबलाई बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन है स्टॉलिंग के लिए। हमने जल्दी से नॉकअप मारते हैं यहाँ पे। सामने से आएगा नॉकअप ही आएगा भाई, उसका डैमेज देखना। हमारा डैमेज देखो 500, उसका डैमेज देखो 5000 डिफरेंस है भाई। सेबलाई का अटैक है, अटैकर है, प्रोटेक्ट यूज़ किया हमने, विलोविश लगाया, बच गया भाई भाई। अब यहाँ पे हम विलोविश फिर से ट्राई करेंगे और सामने से आएगा जी मूव और हम चले गए हैं यहाँ पे स्लीपिंग मोड में। तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लेके आते हैं अपने सॉल को, सॉल में भी हम लोगों को बैटल जिता दे मे बी, पर ये मुमकिन नहीं हो सकता आई डोंट थिंक। फॉल प्ले आ रहा है सामने से, हम यहाँ पे बल्क अप करते हैं क्योंकि डिफेंस के मामले में सेबलाइफ बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है। ओ भाई वाट टाइप में मारा था हमने, कुछ खासा असर नहीं कर पाया। बल्क अप करते हैं, सामने से रिकवर हो रहा होगा शायद, तो फोल प्ले ही लग रहा है। हम जी मूव मारते हैं और यहाँ पे हमारा लग बाई चांस, हमने उन्हें विन कर लिया। भाई लोग जैसे भी भाई लोग देख रहे हैं, टाटा बाय बाय टू नेट एंड सेव नारा।